हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट वीडियो में दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से शुरू करते हैं। नाम है क्या? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। थर्ड चैप्टर में हम देखो, सेकंड चैप्टर में हमने परमाणु के बारे में जाना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन सब की जानकारी ले चुके हैं हम। अब हम देखेंगे कि जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। आपने 10th क्लास में आवर्त सारणी पढ़ी थी। आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इनमें कैसे पहचाना तत्वों को, एस ब्लॉक में कैसे रखा, पी में कैसे रखा, वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ, वो सारा अब हम इस 11th क्लास में जानेंगे कि क्या आवर्त सारणी से पहले भी वर्गीकरण हुआ था क्या कुछ, क्या आवर्त सारणी से पहले भी वर्गीकृत किया गया था कोई और वैज्ञानिकों ने किया था, वो सारी चीजें आज हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण होता क्या है, वर्गीकरण क्या होता है। देखो, आवर्त सारणी में आपने देखा था एस एस ब्लॉक के, मतलब ऐसे जो थे परमाणु जिनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है उनको सबको एस में रखा, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी में जाता है उन सबको पी में रखा था। मतलब यह है कि वर्गीकरण क्या होता है, ऐसे तत्वों को एक साथ एक ही समूह या वर्ग में रखना जिनके क्या हो, गुण, रासायनिक गुण या भौतिक गुण क्या हो, समान हो। ऐसे तत्व जिनमें, जिनके गुणों में क्या हो, भिन्नता हो, उन्हें एक ही वर्ग या समूह में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो आपको थर्ड चैप्टर का जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, इसमें फर्स्ट हेडिंग आपको यही डालने की वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण क्या होता है आपको लिखना है, समान गुणों वाले तत्वों को, अभी बताया था ना कि ऐसे तत्व जिनके गुणों में क्या हो, समानता हो, तो उनको एक साथ रखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। तो आपको लिखना है, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग या समूह में रखने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण। इसमें आपका फर्स्ट जो वैज्ञानिक आया था वो क्या था, डोबेराइनर। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे डोबेराइनर और उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया। त्रिक का मतलब उन्होंने तीन ऐसे, मतलब तीन तीन परमाणुओं या तत्वों का क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए, तीन ऐसे समूह, तीन तीन तत्व जिनके गुण क्या है बराबर है, उनका ग्रुप बनाया था। और उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक ग्रुप में या प्रत्येक त्रिक में जो बीच वाला तत्व है या परमाणु है उसका जो भार है वह अन्य दोनों के औसत भार के क्या रहा है, बराबर। देखो, एक वैज्ञानिक आए थे डोबेराइनर, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने त्रिक नियम दिया। त्रिक का मतलब उन्होंने क्या किया, समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों का क्या बनाया, समूह। तो इसमें आपको लिखना है डोबेराइनर ने, इसमें आपको क्या लिखना है, डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, क्या बनाए, समूह बनाए, वह उन्हें त्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया, त्रिक, त्रिक नाम दिया। समान गुणों के क्या बनाए उसने, समान गुणों के तीन तीन तत्व लिए, ठीक है, और उनको क्या नाम दिया उन्होंने, त्रिक नाम दिया। और उन्होंने क्या बताया कि, या फिर ऐसे कह सकते कि उन्होंने देखा कि, क्या देखा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक त्रिक के बीच के तत्व का भार या परमाणु भार, क्या लेंगे, बीच के तत्व का भार या परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार लिख सकते हो या भार, परमाणु भार, शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों, शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है, क्या होता है, औसत होता है। डोबेराइनर ने क्या बताया
तीन तीन का उसने तीन तीन ऐसे तत्व लिए जिनका क्या है, गुण समान है। जैसे कि उसने पहला लिया था लिथियम, ठीक है, फिर उसने लिया सोडियम, और फिर क्या लिया, पोटेशियम। उसने ये तीन तत्व देखे और उन्होंने बोला कि ये क्या है, डोबेलेनर का त्रिक है, एक ही त्रिक बना दिया, इनको तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा। फिर उसने बोला ये उसका त्रिक है, किसका त्रिक है, ये डोबेराइनर का, डोबेराइनर का त्रिक। डोबेराइनर ने क्या किया था, इनको एक साथ रखा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को एक साथ रखा था, तीन तीन का ग्रुप बनाया, जैसे आवर्त सारणी में है ना अपने पास, इसी प्रकार से इसने क्या किया, तीन तीन का ग्रुप बनाया। आवर्त सारणी में तो चार ही बनाया, एस पी डी और एफ, है ना, तो उस पर हम लास्ट में आएंगे, पहले छोटे मोटे सारे पढ़ेंगे, लास्ट में आवर्त सारणी जो आपकी एग्जैक्ट है उस पर आएंगे। सबसे पहले डोबेराइनर ने क्या किया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम ले लिया। अब उसने बोला कि जो बीच वाला तत्व है यानी कि ये सोडियम है, इसका जो परमाणु भार हुआ, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, लिखवा दिया था सेकंड चैप्टर में ही, और फर्स्ट में भी बताया था क्या होता है सोडियम का, इसका जो एटॉमिक मास है क्या होता है, 23। क्या होता है एटॉमिक मास, 23, या एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 23। सोडियम के लिए कितना होता है, 23। उसने बोला बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों का क्या होता है, औसत होता है। देखो 11 नंबर पर आता है, 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ने पर आता है इसका, है ना, 22 मत करना। लिथियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है स्मॉल एम, लिथियम का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बताइए, लिथियम कितने नंबर पर आता है, 3, तो 3 का 6 होगा या 7 होगा, 7 होता है। यहाँ पर भी 6 नहीं याद रखना, क्या याद रखना है आपको, 7। इसके लिए जो एटॉमिक मास है आपका वो कितना होगा, 7, इसके लिए एटॉमिक मास 23। पोटेशियम आपका 90 नंबर पर आता है, 19 का दूना करोगे तो 38, इसका भी 38 नहीं होता, लेकिन कितना होता है बताइए जल्दी से, 39, इसका भी 38 नहीं होगा, कितना होगा, 39। तो अब देखो 39 में 7 ऐड करो, कितना ऐड करना है, 39 में 7, औसत भार निकालना है आपको। दो लिथियम व पोटेशियम का औसत भार, औसत भार बराबर, औसत में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और दो का ही भाग दे देंगे। 39 में कितने ऐड करने हैं, 7, और दो का भाग देना है। ऐड करो 9 7 16 का 6 1 करी, या सिर्फ 7 और 3 और 1 4, 40/2 यानी कि 23। 23 अपने पास बीच वाले परमाणु का एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, बिल्कुल है। तो डोबेराइनर ने यही बोला था, डोबेराइनर ने क्या किया, समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों का क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो बीच का तत्व होगा, बीच का जो तत्व है उसका जो भार होगा परमाणु भार, वह अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों का क्या होगा, औसत, परमाणु भारों के औसत भार के बराबर होगा, ये डोबेराइनर ने बोला था। अब ये जब डोबेराइनर ने बोला तो फिर इसको 10th में क्यों नहीं पढ़ाया, आवर्त सारणी क्यों आई, क्योंकि इसमें कुछ कमी आई होगी, इसमें हम नेक्स्ट हम कमी देखेंगे क्या कमी आई। इसने पहला ट्रिक अपना ये दिया था जो कि राइट था, फिर इसने अपना दूसरा ट्रिक क्या दिया, देखो दूसरा ट्रिक इसने दिया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, इसी में आपको ये लिखना है पूरा, फिर आगे लिखना है इसका दूसरा ट्रिक इसने दिया था क्या, देखो इसी में इसने फिर दूसरा ट्रिक दिया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, क्या क्या, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का आपको पता है 17 नंबर पर आता है, 17 दूनी 34, ना 34 होता है ना 35, क्या होता है, 34.5। एटॉमिक मास इनके याद करवाए थे आपको, क्या होता है इसका, 34.5। अच्छा ब्रोमीन कितने नंबर पर आता है, ब्रोमीन का क्या होगा, 81 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है, 81, और आयोडीन का 127, या कॉलम रखने हैं, ठीक है, क्लोरीन का होता है 34.5, ब्रोमीन का 81, आयोडीन का 127, ठीक है, याद रखोगे। तो अब देखो आपको क्या करना है, बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो देखना है कि इन दोनों का योग करके 2 के बराबर आता है कि नहीं, किसका, क्लोरीन व आयोडीन, क्लोरीन व आयोडीन के भारों का या भारों
आयोडीन का औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। तो देखो क्या है, यहां तो है 34.5, 34.5 प्लस इसमें कितना है 127 बटे क्या करना है 2। 127 में आपको 34.5 को जोड़ना है तो यहाँ पॉइंट के बाद जीरो मानेंगे, क्या आएगा 5.73 और 11 का 1 का 3 और 3 6 161.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 161.5 बटे 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 8 16, ठीक है। अब 16 में 16 जीरो, 1 बच रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो एक तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, भाग टूटेगी सुपर, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 80.7 के समथिंग आएगा। क्या आएगा 80.81 देखो भाग दो, 161.5 में आपको भाग देना है 2 का, 0 उतार लिया किसका 1, अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटेगी सुपर लगाओ, ठीक है, या फिर देखो पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे, भाग टूटेगी सुपर लगेगी, फिर क्या है आपके पास पॉइंट तो आई, क्या आ जाएगा ये आपका 0 2 5 10, तो मतलब 80.75 ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो 80.75 के आसपास ही आ रहा है आपका AMU। अब यहां ब्राह्मी का है 81 और आपके पास में पॉइंट में आ रहा है, तो एक जैसा आ रहा है क्या, अंतर है थोड़ा सा, यहाँ तो पॉइंटों में है यहाँ 81 है, तो यहाँ आकर क्या हो गया, इसके नियम में विचलन पाया गया, इसके कारण इसको आगे मान्यता नहीं मिली। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है कि यह विचलन के कारण या यह प्रयास विचलन के कारण छोड़ दिया गया या सफल नहीं हुआ। आगे आपको लिखना है यह प्रयास विचलन के कारण छोड़ दिया गया, यह प्रयास विचलन के कारण छोड़ दिया गया, ठीक है। वर्गीकरण में पहला हमने किसका पढ़ा, डोबेराइनर का तृतीय नियम, अब इसको छोड़ दिया फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बुक में तो पूछ सकता है कि डोबेराइनर का तृतीय नियम लिखिए, तो आपको याद तो करना है डोबेराइनर का तृतीय नियम क्या है, लेकिन इसको क्या है छोड़ा क्यों गया, क्योंकि पहला त्रिक तो सही निकल गया उसका जो उसने नियम दिया, सेकंड जब त्रिक में हमने लगाया तो उसमें विचलन पाया गया, विचलन कैसे, इन दोनों का जब परमाणु भारों का हमने औसत परमाणु भार निकाला तो इस बीच के बराबर नहीं आया, ये कैसी है, ये अपना 80.7 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया विचलन। इसके बाद फिर सेकंड वैज्ञानिक आए न्यूलैंड, कौन सा है न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, सेकंड हेडिंग आपको डालनी है न्यूलैंड का अष्टक नियम, सेकंड हेडिंग क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो अष्टक नियम आपको पता है कि प्रत्येक जो परमाणु होगा वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन वो नहीं है यहाँ, तो हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। वर्गीकरण में क्या होगा, न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के बराबर गुण दर्शा रहा है, 8वें तत्व से समानता का गुण दर्शा रहा है। इसने क्या बताया न्यूलैंड ने कि जब हम उसको क्रम वाइज रखेंगे तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें जो तत्व आएगा बाद का उस 8वें तत्व के समान गुण दर्शा रहा है। इसमें आपको लिखना है न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भारों के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है। इसमें क्या लिखना है न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा और बताया कि रखने के बाद उसने क्या पाया, रखा वह उसने पाया कि उसने पाया कि देखो अष्टक
अष्टक का मतलब प्रत्येक आठवां तत्व। क्या पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व, प्रत्येक आठवां तत्व, आठवां तत्व अपने पहले तत्व से, पहले तत्व से, अपने पहले का मतलब फर्स्ट से, आठ से पहला, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से, या अपने पहले लिख सकते हैं या पहले, अपने पहले का मतलब ये नहीं है कि सातवां, मतलब जैसे यहाँ पहला है तो उसके बाद आठवां जो आएगा तो इसका पहला यही लगाना है। प्रत्येक आठवां तत्व क्या है गुणों में, या आप लिख सकते हो पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व, मत लिखो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में समान पाया जाता है, समान पाया जाता है, गुणों में समान पाया जाता है। ठीक है, उसने बताया कि प्रत्येक आठवां तत्व आएगा वो गुणों में समान होगा, यानी कि उन सबको फिर एक साथ रखना चाहिए। तो देखो कैसे, हाइड्रोजन हीलियम की खोज तो बाद में हुई थी, उस टाइम कहां से शुरू होता था, लिथियम से, कहां से शुरू होता था, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 अपने पास में। ठीक है, एक सेकेंड, क्लोरीन फंसे आ जाएगा यहाँ, फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है। ठीक है, नियोन की उस टाइम खोज नहीं हुई थी, क्या रहेगा, Na, ये आएंगे आपके पास में, CNOF Na। ठीक है, और आगे लेना चाहो तो Mg, जो जो इनमें नहीं है उनकी उस टाइम तक खोज ही नहीं हुई थी, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, यहाँ आपके पास में नियोन नहीं है क्योंकि नियोन की उस टाइम तक खोज ही नहीं हुई थी। जब आपका ये नियम आया था ना अष्टक नियम, उस टाइम तक ना तो आपकी हीलियम की खोज हुई थी, ना ही नियोन की, ना ही हाइड्रोजन की, इसलिए वो नहीं लिखे हैं, उस टाइम तक यही तत्व थे। ठीक है, इस गुण में जो भिन्नता आएगी वो तभी आएगी जब उनकी खोज हो जाएगी, हीलियम और नियोन, हीलियम और नियोन आने के बाद ये नियम भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अभी तो इसने बोला कि जैसे ये आठवां तत्व लिथियम है, पहला लिथियम ही था, हाइड्रोजन हीलियम भी तो खोज ही नहीं हुई, तो इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला भाई, इसके बाद देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। तो क्या बोला इसने कि प्रत्येक आठवा तत्व जो है गुणों में क्या दर्शाएगा, भिन्नता दर्शाता है, मतलब लिथियम जो है वो सोडियम से भिन्नता दर्शाएगा। ठीक है, क्या बोला, लिथियम किससे भिन्नता दर्शाएगा, सोडियम से। ऐसे यहां से आगे चलेंगे फिर मैग्नीशियम के बाद में, तो आठ जोड़ो इसमें, 11 और 8 19 19 पे क्या रहा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम में भी समानता दर्शाता ही है। अभी हमने डोगेनहाइनर का त्रिक नियम देखा था, उसमें आपको पता है हमने क्या लिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो वो ये देखो लिथियम, फिर 8 नंबर पर सोडियम, और सोडियम अभी तो कितने नंबर पर आ रहा है, 11 पर आता है ना, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, यानी कि इसके बाद के सारे के सारे पहले ही खोजे जा चुके थे पूरे के पूरे, सात, तो 19, 8 के बाद क्या आ रहा था आपका, पोटेशियम आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, गुणों में समान है लिथियम और जो आपका लिथियम और सोडियम है, तो होता है लिथियम व सोडियम गुणों में समान है, बताया उसने। ठीक है, कैसे बताया, देखो उसने ऐसे देखा था, सा रे ग म प ध नि स, यहां से लिया था उसने, उसके दिमाग में ये आ गई सारे गामा पादा निशा, तो सा यहाँ पर भी है, सा यहाँ पर भी है, इसी से उसने ये बताया, मतलब उसके दिमाग में ये उपज आई कि क्यों ना इनको बढ़ते हुए क्रम में रखे, देखे आठवा भिन्न समान आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आया था आठवा, जैसे सारे गामा पादा निशा में सा फिर आठवा ही है, तो ऐसे ही एकदम समान आया था। फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, जैसे क्या हुई, अक्रिय गैस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम और नियोन आर्गन आदि की जैसे ही खोज हुई, तो ये नियम में क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, अक्रिय गैसों की खोज के बाद, इसमें लिखना है अक्रिय गैसों की खोज के बाद, खोज ब्रैकेट में अक्रिय गैस लिखना चाहो तो जैसे लिथियम है सॉरी हीलियम, कौन सा
हीलियम, नियोन, आर्गन, डॉट डॉट डॉट। अक्रिय गैस की खोज के बाद यह नियम असफल हुआ, असफल रहा या हुआ, या इसको विचलन के कारण छोड़ दिया गया, असफल रहा या इसको इसमें विचलन के कारण इसको छोड़ दिया गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ी है, दो नियम पढ़ लिए वर्गीकरण के। नेक्स्ट देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, इनको आप इतने अपनी नोटबुक में उतार लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।